प्रमेय एक कथन। किसी वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। ज्ञात है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, इसकी दो बराबर जीवाएं PQ और RS है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कोण POQ बराबर कोण ROS। उत्पत्ति। त्रिभुज POQ तथा त्रिभुज ROS में सबसे पहले हम दोनों त्रिभुज में OP बराबर OR लेंगे। ये जो दोनों रेखाखंड है वह एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। उसी तरह से हम लेंगे यहां पे दोनों त्रिभुज में OQ बराबर OS। ये भी जो है एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। इसके बाद हमारे पास है PQ बराबर RS जो कि हमें ज्ञात है। अतः हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज POQ सर्वांग सम है त्रिभुज ROS से। यहाँ पे हमने सर्वांग सम नियम लगाया है भुजा 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 सर्वांग समता सर्वांग समता। इस तरह से हमने दोनों त्रिभुज का सर्वांग सम भुजा 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 सर्वांग समता के नियम से इसे सर्वांग सम कहा। इसीलिए कोण पी ओ क्यू बराबर है कोण आर ओ एस से। अभी यहाँ पे हमने सर्वांग समता त्रिभुज के संगत भाग को बताया है। सर्वांग सम सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग। संगत भाग से हमने कोण POQ को बराबर बताया है कोण ROS से। यही इस प्रमेय में सिद्ध करना